हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबने तैयारी शुरू कर दी? हैव यू ऑल प्रिपेयर्ड स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, HCS? किस किस ने स्टार्ट कर दिया कि यस यू आर रेडी एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन विद फुल स्विंग? देखिए, बार बार मैं हर वेबिनार में एक बात बोल रहा हूँ कि यू रफली हैव 4 मंथ्स नाउ, कि 4 महीने आपके पास हैं प्री से पहले। लास्ट 15 डेज यू अप्लाई, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन रिविजन, तो आपके पास 3.5 महीने हैं तैयारी के, रफली अराउंड 100+ डेज। तो अब आपको बिल्कुल वेट नहीं करनी है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आएगी नहीं आएगी, आपको अपना प्लान बनाना है एंड आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करनी है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आ जाइए फटाफट। ओके, दैट्स गुड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, जिसके कंटेक्स्ट में आई हैव गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट कि ऑप्शनल कौन सा रखें, ऑप्शनल कौन सा रखें। डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज मैं आपको कुछ क्राइटेरिया देने वाला हूँ और कुछ सजेशंस एक कंक्रीट दे सकता हूँ कि क्या ऑप्शनल रखना, किस तरह का ऑप्शन रखना आपके लिए बेटर रहेगा। अब इससे पहले आई स्टार्ट द थिंग, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑप्शनल कोई पूछना चाहता है? जब तक बच्चे अपने दोस्त सारे आ जाएं, एक बार लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। किसी ने क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग ऑप्शनल, वो बेखौफ होकर पूछ सकता है। देखिए, ऑप्शनल 200 नंबर का है, 200 नंबर का ही GS है, टोटल 600 नंबर है HCS में, टोटल 600 मार्क्स में से 200 नंबर का रफली अराउंड 33%। तो ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दिस ईयर, लास्ट ईयर HCS ऑल्सो ऑप्शनल हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि 600 नंबर का आपका मेंस है और सिर्फ 75 नंबर का इंटरव्यू है, 675 नंबर का टोटल है। आप ये लगा के चलें कि अगर आप GS और ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ट्रिप द होल थिंग इन योर फेवर। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑप्शनल किसी को पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑप्शनल? हेलो, पवन जी ने ये पूछा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक जैसी हैं, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एमए किस सब्जेक्ट, क्या थे एमए में? हिस्ट्री। और ग्रेजुएशन में? तो आपको फिर कंफ्यूजन किस बात की हो रही है? एमए आपने हिस्ट्री करी है तो हिस्ट्री रखोगे तो बेटर रहेगा। नहीं, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल पहले से तैयार कर रखा है क्या? नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप GS की ज्योग्राफी को ऑप्शनल की ज्योग्राफी से कंफ्यूज नहीं कर सकते। GS में जो ज्योग्राफी पढ़ते हो वो 10% भी नहीं है ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको। और आपने MA हिस्ट्री करी है, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है आपकी, तो हिस्ट्री ऑप्शनल रखना चाहिए आपको। तो उसमें आपकी एक नेचुरल कमांड होगी हिस्ट्री के अंदर, नेचुरल कमांड जिसे कहते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो नंबर उतने ही आने हैं, ये मत सोचना कि आपकी ज्योग्राफी रख के बहुत ज़्यादा नंबर आ जाने हैं, हिस्ट्री रख के इतने आने, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में अच्छा लिखोगे उसके नंबर आने हैं। नहीं, कोई जैसे इस बार भी हमने रिजल्ट देखा है तो कितने को फर्क नहीं पड़ता। वही बात है कि ज्योग्राफी तैयार करोगे वो पूरी तरह तैयार होना भी अपने आप में इस वक्त में मुश्किल है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, IAS का सारा सिलेबस है, सारा IAS का सिलेबस आपको HCS में तैयार करना पड़ेगा। और हिस्ट्री कहाँ MA करी हुई है आपने, वो आपका 50-60-70% तैयारी है ऑलरेडी। हाँ, बस फिर आपको हिस्ट्री कभी भी गलती मत करना, ये चक्कर में आके अटेम्प्ट खराब कर लोगे आप। एनी अदर क्वेश्चन ऑन ऑप्शनल? गुड इवनिंग। BBA.
ओके सी आइडिया इज कि देखिए इसमें शी हैज डन बीबीए एंड एमबीए राइट. देखिए वन थिंग यू ऑल मस्ट रिमेंबर व्हाइल कीपिंग ऑप्शनल फॉर यू दिस एचसीएस कि जो सिलेबस है इन ऑप्शनल्स का जो भी सिलेबस आपका मेंशनड है दिस सिलेबस इज सेम एज यूपीएससी. ये गलती मत करिए. नाउ पहले जो सिलेबस था ऑप्शनल का एचसीएस में डिफरेंट था और यूपीएससी में डिफरेंट था. सो एचसीएस सिलेबस वॉज वेरी स्मॉलर देन यूपीएससी सिलेबस. नाउ दे हैव केप्ट द सेम सिलेबस ऑफ यूपीएससी एज इन द एचसीएस. तो कुछ भी आप डिसीजन लें चाहे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले एक फैक्टर आपने जरूर ध्यान रखना है कि सिलेबस इज नाउ सेम. सिलेबस सेम है लेकिन टाइम आपके पास उतना नहीं है जितना यूपीएससी में आपको मिल जाता है ना. सो हम आगे बात करेंगे लेकिन इनका आपका आंसर करके मैं फिर आगे मूव करूंगा. देखिए आपने एमबीए करी है बीबीए एमबीए तो इकोनॉमिक्स भूल जाओ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बिल्कुल भूल जाओ. जो क्योंकि ये दोनों का सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का है तो एमए इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा सूट करता है. ये थ्योरेटिकल आता है बहुत, जो कोर इकोनॉमिक थ्योरी है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सेकेंडली अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जाते हो वहाँ अकाउंटेंसी में फंस जाओगे जाके. तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है मीडियन है एक बीबीए एमबीए आपने करी हुई है तो दो ऑप्शन आपके पास क्लियर होते हैं. या तो मैनेजमेंट, पर मैनेजमेंट आपके लिस्ट में है क्या? मैनेजमेंट लिस्ट में है तो मैनेजमेंट रख सकते हो नंबर वन, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते हो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्मॉलर ऑप्शनल. क्योंकि पब्लिक एड में काफ़ी ऐसी चैप्टर्स होंगे जो आपने मैनेजमेंट में बीबीए एमबीए में पढ़ रखे हैं. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप रख सकते हो या फिर मैनेजमेंट रख सकते हो. सो दैट विल सूट योर प्रोफाइल एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट विद इन स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है हाँ, बट डोंट एवर थिंक ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, फंस जाओगे. भाई लोग तो सजेस्ट कर देते हैं कर तैयार तो आपने करना है इजंट इट. तो अगर है ना लोग तो सर सजेशन देके साइड पे हो जाएंगे, तैयार तो आपको करना है तो बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है ये. तो चलिए अब मैं बाकी क्वेश्चन मैं एंड में लूँगा, पहले मैं लेट मी स्टार्ट विद द वेबिनार बेसिक राइट. अब देखिए ये नोटिफिकेशन की कॉपी मैंने रखी है यहाँ पे, तो इसमें देखिए जो आपके सब्जेक्ट देर आर 29 सब्जेक्ट्स एचसीएस ने दिए हुए हैं. तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं देखिए दो तरह के सब्जेक्ट हैं, ये देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. इन सब 29 की लिस्ट अगर हम देखें तो दो तरह के सब्जेक्ट निकल के आते हैं. एक तो सब्जेक्ट हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं टेक्निकल. अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स वो हैं जो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं और उसको कैंडिडेट वही रख सकता है जिसने उस सब्जेक्ट से एजुकेशन करी है. वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है लेकिन उसको दूसरे बच्चे नहीं रख पाएंगे बिकॉज उन्होंने उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं करी. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपने लॉ है, अब लॉ तो वही रखेगा ना जिसने एलएलबी करी है. अब मैं अगर लॉ रख के बैठ जाऊँ एलएलबी करी नहीं है, हरियाणा एचपीएससी मना नहीं करता है, एचपीएससी कहता है ठीक है आप रखो लेकिन तैयार तो करना ना. तो लॉ हो गया, सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, फिर मेडिकल साइंस हो गया, फिर ये बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री है ना, ये बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी ये सब्जेक्ट वही बच्चा रख सकता है जिसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है. सो ऑन वन हैंड वी हैव टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो वही बच्चा रख सकता है जिसने वो एजुकेशनल बैकग्राउंड करी है. और सेकंड टाइप के सब्जेक्ट्स हम कहते हैं जनरल सब्जेक्ट्स, जो लोग जनरली रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड. मतलब सपोज आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड का सब्जेक्ट नहीं रखना चाहते देन यू गो फॉर जनरल सब्जेक्ट्स. जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट को बताया कि उसने बीबीए एमबीए करी हुई है अगर, तो उसका जो कोर सब्जेक्ट बनता है वो बनता है मैनेजमेंट. लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं रखनी है तो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया कि आप पब्लिक एड रख सकते हो, आपको बेटर रहेगा. लेकिन वो बच्चा अगर पब्लिक एड छोड़ के हिस्ट्री रख ले, ज्योग्राफी रख ले, सोशियोलॉजी रख ले, तो डेफिनेटली देखो एक उसको डिसएडवांटेज तो है ना कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो बिल्कुल काम नहीं आएगा. तो बेटर उसके लिए अगर जनरल सब्जेक्ट्स में रखना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना. इसी तरह से सेकंड एक और बच्चा था जिसका मैंने क्वेश्चन को आंसर किया, तो ही वाज आस्किंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. तो अब उस बच्चे ने एमए हिस्ट्री करी हुई है, तो मैंने उसको क्या कहा, तू अपना एमए हिस्ट्री अगर करी है वो एक
आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड का भी है और जनरल भी है, तो आप हिस्ट्री रखो एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी जो आपने नहीं करी है, राइट। ऑप्शनल सारे अच्छे हैं, देखिए ऑप्शनल सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ऑप्शनल खराब है कोई अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, आप अच्छा तैयार कर लोगे तो। अभी अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आई है इसमें हमारे दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से किया है, मैनेजमेंट से क्लियर किया है पूरा, फाइनली लिस्ट में आ गए हैं बच्चे मैनेजमेंट रख के। मैथमेटिक्स का भी एक बच्चा है जो मैं जानता हूँ, सबके तो नहीं ऑप्शनल याद रहते पर जिनको मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स वाले ने भी क्लियर किया है ना, एक सिविल इंजीनियरिंग वाला भी है। तो मतलब ऐसे लॉ वाले तो तीन चार हैं, मतलब ऐसे तो हर सब्जेक्ट से बनते हैं, सोशियोलॉजी वाले बहुत हैं, हिस्ट्री वाले हैं, पब्लिक एड वाले। तो अल्टीमेटली आपको अपने ऑप्शनल में अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, एंड अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है तभी आपको वो ऑप्शनल रिटर्न देगा। मैं आऊँगा आगे आपके अनिश का, ठीक है। तो जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल साइंस लिख लो सारे चाहे अपने पास, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी है ना, और फिलॉसफी, फिलॉसफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी ज्योग्राफी फिलॉसफी। अब ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कोई भी बच्चा रख सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, कि अगर आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को प्रेफर नहीं कर रहे या अगर आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को में कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन इट इज़ बेटर टू गो फॉर द जनरल ऑप्शनल्स विच आर इन दिस वे, ठीक है। तो एक आपकी बात ये बन गई कि दो तरह के ऑप्शनल होते हैं, तो आपको अपना अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड एनालाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप पे तो आपने ये देखना है कि क्या मैं इसका ऑप्शनल रख सकता हूँ। आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा कि जैसे फर्स्ट स्टेप पे आपने ये देखना है कि क्या आप अपने टेक्निकल बैकग्राउंड से सब्जेक्ट रख सकते हैं। देखिए आपके पास टाइम कितना है, इसके इसका आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी आर सिटिंग इन फेब्रवरी 2023, प्री इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जून 2023 सपोज, एंड योर मेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन सितंबर 2023। तो आपके पास चार महीने अभी हैं प्री तक, उसके बाद ढाई महीने हैं प्री के बाद, टोटल इतना ही टाइम है आपके पास। तो जो भी डिसीजन आपका होगा उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले करेगा इन HCS इज द टाइम फैक्टर, ठीक है ना। अब सपोज एक बच्चे ने पूछा कि मैथमेटिक ऑप्शनल कैसा है, देखिए ऑप्शनल तो बहुत अच्छा है, डिपेंड करेगा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने MSc मैथमेटिक्स किया है और ठीक तरह किया है तब आप रख सकते हो आई थिंक, तब यहाँ पे आपके पास प्री से पहले आपके पास दो महीने हैं, दो दो तीन तीन घंटे शाम को लगा सकते हो मैथमेटिक्स पे, उसके बाद प्री के बाद बाकी एक महीना और लगा लेंगे, तो तीन महीने में आपका सब्जेक्ट उतना तैयार हो जाना चाहिए अगर आपने MSc किया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि BSc मैथमेटिक्स किया है मैंने, BSc फिजिक्स किया, BSc केमिस्ट्री किया, BSc बॉटनी किया, BSc जूलॉजी किया, BSc केमिस्ट्री किया, उसके बेसिस पे मैं HCS में ऑप्शनल रख लूँ ये टेक्निकल, और वो भी सिलेबस तैयार करना है IAS के लेवल का, IAS का टोटल सिलेबस तैयार करना है, देन इट यू आर फॉलोइंग इनटू अ ट्रैप। ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स सिंपली ग्रेजुएशन करके जो छः सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन करे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते इतने कम टाइम में। हाँ आपके पास छः महीने पूरे हैं, फ्री छः महीने हैं, आप कोई भी तैयार कर लो, फिर मैथमेटिक्स तैयार कर लो, फिजिक्स तैयार कर लो, बॉटनी जूलॉजी कुछ भी तैयार कर लो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर आपका आपने सिंपली BSc करी है तो आप कभी भी मत सोचें HCS में कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी रखेंगे या, ठीक है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट रखने हैं तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए इसके अंदर, ये मेरी एडवाइस, आप अभी मान लो या फेल होके मान लेना, अनलेस एंड अंटिल आज की डेट में बच्चा तैयारी नहीं करके बैठा हुआ। सपोज आप एक साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, आपने BSc मेडिकल करी है, BSc नॉन मेडिकल करी है, आप नहीं रख सकते मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इतने कम टाइम में, इस लेवल का ऑप्शनल तैयार नहीं हो सकता अनलेस एंड अंटिल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, अनलेस एंड अंटिल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी अगर होनी चाहिए इनमें, तो पहला तो आपने देखना है कि क्या आप ये सब्जेक्ट रख सकते हो, राइट। और सब्जेक्ट रखने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम एलिमेंट, कि आपके पास दो महीने अभी मिलना है और एक महीना बाद में मिलना है, तो तीन महीने में तीन चार घंटे पढ़ के क्या आप अपने ऑप्शनल रीजनेबली तैयार कर लोगे कि वहाँ पेपर करने लायक हो जाओगे। अगर ऐसा है तो इट्स ओके, ठीक है ना, अगर नहीं तो फिर आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं तो सिंपली आपको टेक्निकल सब्जेक्ट से इधर को जंप करना पड़ेगा कि आप एक जनरल ऑप्शन रख लो, क्योंकि जनरल ऑप्शन जो है आपके उनका प्रिपरेशन टाइम फ्रॉम HCS पॉइंट ऑफ व्यू तीन महीने में आराम से कवर हो जाता है,
जितना लेवल का एचसीएस के हिसाब से करना पड़ता है उतना खो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो अब वो आगे आऊंगा मैं, अभी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी या हिस्ट्री पब्लिक एड पॉल साइंस वो सब बातें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस कि आपका अगर टेक्निकल रख सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा है अभी आपके ग्रुप में से जिसने टेक्निकल सब्जेक्ट सोचा हुआ है कोई, या जिसने टेक्निकल सब्जेक्ट रखना चाहता है तो मुझे बताइए अभी फटाफट। आपकी जो बैकग्राउंड है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, आप एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो, वेरी राइट। आप एक बार सिलेबस देखो जाके एग्रीकल्चर का, और देखो कितने टाइम में, दो तीन महीने में आप कर लोगे। आप अगर एम कॉम किया है, आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रखना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो 2 से 3 महीने में एक रीजनेबली कवर कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएस में देखिए बहुत हाई लेवल की कवरेज नहीं चाहिए जो आईएएस के लेवल पे चाहिए होती है ना। एक रीजनेबल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो आपका सिलेबस होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सिलेबस एक चैप्टर तैयार कर लिया एक कॉमन बुक्स में से, तो आपका वहाँ क्वेश्चन हैंडल हो जाता है। ऐसा नहीं है यूपीएससी की तरह की क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपको बना के लिखना है, समझ के बेसिस पे लिखना है, ठीक है ना। मुझसे आपने कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा नंबर 9501114021 है, इसके ऊपर आप कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे या वॉइस मैसेज करेंगे। अगर कॉल करेंगे तो कहीं और जाएगी कॉल वो, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं अपने आप कॉल कर लूँगा। चलिए, और कोई है जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से अपना ऑप्शन रखना चाहता है? कॉमर्स की बात हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की बात हो गई, ठीक है ना। बात क्राइटेरिया यही रखना है कि अगर आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट रखना है तो आपकी जो प्रिपरेशन टाइम है वो 3 महीने तक होना चाहिए, कि हाँ 3 महीने में रिजनेबली मैं ऑप्शन तैयार कर लूँगा, इतनी मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड से मेरी समझ डेवलप हुई हुई है। अब आप पवन जी ऐसा सोचो, जो आपने मेरे को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पूछा था, अब आप 2-3 घंटे 3 घंटे अगर लगाओगे डेली तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरा कैसे तैयार हो जाएगा इसकी सिलेबस का पूरा, इट विल बी बिग। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल तो अगर आपने, मैं आज की डेट में ज्योग्राफी ऑप्शनल को मैं आई डोंट कीप इट इन जनरल, मैं इसको टेक्निकल में रखता हूँ, कि अगर आपने एमए ज्योग्राफी करी है तभी इतने कम टाइम में संभव है, अदरवाइज ज्योग्राफी होने नहीं वाली। ये कोई एडवाइस आपको देगा नहीं, पर ये सच चाहिए। आप सिलेबस उठा के देखो ना, आप सिलेबस उठा के देखो कि आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, अगर इतना सब्जेक्ट सिलेबस कौन करेगा इतने टाइम में। एमए इंग्लिश लिटरेचर आपने करी है, आप इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हो, ठीक है ना, आप इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हो, एलिजिबल हो, रखना ना रखना अलग बात है, लेकिन एमए इंग्लिश करी हुई है तो इंग्लिश लिटरेचर रखा जा सकता है। आपने एमए हिंदी लिटरेचर करी है, हिंदी लिटरेचर रखा जा सकता है, लेकिन आपने सिंपली ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा है, भूल जाओ, सिंपली ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर पढ़ा, भूल जाओ, इतने कम टाइम में तैयार नहीं होता। फिर सवाल पैदा नहीं, लिटरेचर के 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, पंजाबी लिटरेचर, हिंदी और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट्स मेंशनड है एचसीएस में। स्कोरिंग सारे ऑप्शनल होते हैं शीतल, ऑल ऑप्शन आर स्कोरिंग, कोई ऐसा नहीं है स्कोरिंग नहीं होता। आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा तैयार किया। आप तैयारी नहीं अच्छे से कर पाए, अच्छे से आंसर लिखे ही नहीं, तो फिर नंबर कैसे आने हैं, नंबर कैसे आने हैं। अब एक तो बात ये सबको समझ आ गई, एक बात एक राइट ना। अब सेकेंडली बात आप समझिए कि सपोज आपने चूज करना है कि भाई ठीक है मैंने ये रखना है या नहीं रखना, और या मैं इसमें से कौन सा रखूं, इसमें कन्फ्यूजन है आपको, है ना। तो अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे पहले तो मैंने कह दिया आपको कि टेक्निकल में रखने का क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट, और 3 महीने में कवर करने लायक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपने इसको रखना है, अदरवाइज इसको रखना है, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप पे आइए ना, सेकंड स्टेप पे हमारी बात आती है, सेकंड स्टेप पे कि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है ऑप्शनल है मेरा, मैंने एमएससी करी हुई है मैथमेटिक्स, एमएससी बॉटनी करी है, एमएससी जूलॉजी करी है, एमकॉम करी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। सेकंड इज द क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट। भाई मैं कहता हूं कि ठीक है आपने एमकॉम करी है, लेकिन आपको 3 महीने में आप तैयार भी कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, है ना, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसका क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा रोहित, मैं आपको आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो आपने क्वेश्चन पोस्ट किया मैं आंसर करूंगा इसका भी, आने चलने दो कहानी को। सेकंड क्राइटेरिया इज इंटरेस्ट, कि आप क्या जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो जनरल है, उसमें आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है। आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि हाँ यार मैं इसको पढ़ पा रहा हूं। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तभी आप उस ऑप्शन को रख पाते हो। इतने कम टाइम में ऑप्शन तभी कवर हो सकता है, या तो कोई हाथ पकड़ के करवा दे, अगर खुद करना है तो अल्टीमेटली आपको अपना इंटरेस्ट देखना है,
अगर आपका टेक्निकल साउंड है लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तब नहीं रखना है। तब आपको जो जनरल ऑप्शनल्स हैं उसमें देखना कि कौन से हैं ये चार, इनमें से मेरा इंटरेस्ट ब्रॉडली किस में बनता है। इंटरेस्ट देखने के लिए जस्ट सिलेबस भी एक बार आप देख लेंगे ना तो एक अंदर से आवाज़ आ जाएगी, ठीक है आई विल लाइक दिस। और कोई बहुत बड़ा क्रिटेरिया होता है इंटरेस्ट चेक करने का, अंदर से आवाज़ आ जाती है कि नहीं यार मेरे को तो ये बोरिंग लगता है यार, नहीं तो यार मुझे ठीक लग रहा है ये मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सेकेंड क्रिटेरिया आपने जो देखना है दोनों में सिलेक्ट करने का है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेकेंड क्रिटेरिया ये हो गया। इसमें इंटरेस्ट फैक्टर पे किसी ने क्वेश्चन पूछना है कोई, एनी क्वेश्चन एनीबडी आस्क विशेस टू आस्क ऑन इंटरेस्ट? एनी क्वेश्चन पूछिए। आपको ऐसा लगता है कि ये स्वेट में रखना मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड में अच्छा है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं हो सकता है आपको आपके ये धारणा बदल दूं, हो सकता है आप वही रख लो जिसमें आपको अभी लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी बोलिए रजत। हाँ पूछे पूछे। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या आपकी, पहले पहले जो भी क्वेश्चन बोलेगा आपने एजुकेशन बैकग्राउंड जरूर बताएगा। नॉन मेडिकल है, बीएससी करी है एमएससी करी? अच्छा देखो बीएससी करी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेडिकल करी है, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तो उड़ गया, ठीक है उड़ गया, ठीक है। अब आ जाओ जनरल सब्जेक्ट्स पे। जनरल सब्जेक्ट्स में आप कह रहे हो कि हिस्ट्री और सोशोलॉजी में मुझे कन्फ्यूजन है। अच्छा अब आप ये बताइए आपने आज से पहले तैयारी करी है कभी? नहीं ऑप्शनल पढ़ा है आपने हिस्ट्री और सोशोलॉजी? कितना पढ़े हो? नहीं नहीं एनसीईआरटी छोड़ो यार। देखो इर्फे अगर कोई आज यहाँ पे इस सिचुएशन में बैठा है जिसने हिस्ट्री पहले पढ़ी नहीं हुई सोशोलॉजी पहले पढ़ी नहीं हुई, तो आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो आई विल सजेस्ट कि आप हिस्ट्री और सोशोलॉजी दोनों में से सोशोलॉजी रखो। क्यों? क्योंकि सोशोलॉजी के 25 चैप्टर हैं, है ना, और हिस्ट्री का सिलेबस सोशोलॉजी से ऑलमोस्ट डबल है, हिस्ट्री का सिलेबस सोशोलॉजी से ऑलमोस्ट डबल है। तो आपको अगर दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं छोटा क्यों ना रखूं? सिंपल बात भाई, सीधी सी बात है। मुझे तो ऑप्शनल तैयार करने से मतलब, आई एम वेरी सेल्फिश। जब मैंने दो ऑप्शन मैंने कोई पढ़ानी है ऑप्शनल, अब जैसे इसने बोला आपका पवन ने बोला कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से, तो मैंने इसको हिस्ट्री बोला क्योंकि पढ़ा हुआ है। अब जब किसी ने बिल्कुल ऑप्शनल पढ़ा नहीं हुआ तो हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी में से मेरे से क्यों पूछेगा? मैं उसको कहूँगा बेटा सोशोलॉजी रख ले, 3 महीने में टकाटक तैयार हो जाएगा बिल्कुल ही, 25 चैप्टर हैं सारे। 3 घंटे अगर आप डेली दे दोगे, पहले 2 घंटे जो पहले 2 महीने हैं आपके फरवरी और मार्च, इसमें आपको अपने ऑप्शनल कोई भी रखोगे तो 3 घंटे देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे। उसके बाद मार्च के बाद छोड़ देना ऑप्शनल, अप्रैल मई में मतलब प्योरली प्री की करनी है, और फिर उसके बाद प्री के इमिजिएटली बाद 1 महीना, प्री के एग्जाम के इमिजिएटली एक बाद 1 महीना 5 घंटे डेली दोगे। कोई भी ऑप्शनल रखोगे यही स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी आपको, कोई भी ऑप्शनल रखोगे आपको यही स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, चाहे आपने डिसाइड कर रखा है चाहे नहीं कर रखा, चाहे डिसाइड कर रखा है चाहे नहीं कर रखा। हाँ क्लियर कट, बहुत क्लियर है ये बात, किसी को भी डाउट ना रहे मन में, मेरा काम ही यही है आपको क्लैरिटी देना अगर आप लेना चाहते हो तो। ये मेरा नेक्स्ट वेबिनार है 5 बजे, 5 बजे मैं एक और वेबिनार मैंने शेड्यूल किया हुआ है। बहुत बच्चों का मेरे पर मैसेज आ रहा था, मैं कहा भैया सबसे अलग बात मैं नहीं कर सकता, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल कैसे तैयार करें वो मेरा ऑप्शनल है, यही बता दूं कि सोशोलॉजी मैंने तैयार कराना है आपको एचसीएस में, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि वो मैं अलग से वेबिनार 5 बजे लूंगा, उसमें जरूर आइए आप, जिसने सोशोलॉजी रखना है वही आए बस, या जो सोचता है सोशोलॉजी के बारे में जानना चाहता है सब आ जाएगा, कोई बात नहीं, लिंक अभी पोस्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इंटरेस्ट आपने देखना अपना, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे आती है आपकी बात। अब ये आपने पहले मैंने देखा कि टाइम देखा कि मेरा टेक्निकल रखना है या मैंने जनरल रखना है, मेरे पास टाइम इतना है, ठीक है। सेकंड पे मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है। थर्ड मैं देखूंगा सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात, थर्ड मैं देखूंगा कि मेरा पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज मैं कहता हूं कब, क्या मेरे पास स्टडी मटेरियल है उस सब्जेक्ट का,
क्या मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है, क्या मेरे पास टेस्टिंग सिस्टम है कि हाँ मुझे टेस्ट देने हैं, क्या मेरे पास कोई गाइड है जो मुझे गाइड कर देगा कि हाँ इस तरह से ऑप्शनल तैयार करो। अब ये गाइड जो ये सारे रिसोर्सेज बेसिकली आपके पास किसी भी ऑप्शनल के अंदर तैयार करने के लिए होना चाहिए, चाहे आप मैथ रखो, चाहे आप फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री रखो, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाट टू से सेंस ऑफ कि ये स्टडी मटेरियल मुझे पढ़ना है इतने टाइम में जो प्रिसाइज हो बिल्कुल, एंड ये सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है या ये टेस्ट मैंने देने हैं। बिना टेस्ट के तो कुछ होता ही नहीं है, आप भूल ही जाओ इस बात को, टेस्ट और देने देने हैं। एंड देन ये पर्सन है गाइड है, वो गाइड कोई टीचर हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको ये टेक्निकल नो हाउ रिसोर्सेज मुहैया कराए। तो रिसोर्सेज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन चॉइस ऑफ द ऑप्शनल। कई बार बच्चे कहते हैं मैं ये ऑप्शनल रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं एंथ्रोपोलॉजी रखना चाहता हूँ। अब एंथ्रोपोलॉजी में रखना चाहता हूँ अगर, ठीक है एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ गुड ऑप्शनल, आपने पहले एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा नहीं हुआ, या तो यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी आपने ऑप्शनल रखा हुआ है, आपने एंथ्रोपोलॉजी तेजिंदर तैयार किया हुआ है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट ऑप्शनल। लेकिन आज की डेट में आपने एंथ्रोपोलॉजी रखनी है और एचएस का पेपर देखना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एंथ्रोपोलॉजी एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कराएगा मुझे। आईएएस के अंदर एंथ्रोपोलॉजी कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हरियाणा के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी अगर आपको कोई मिल जाता है कि जो आपको बता जाए कि एंथ्रोपोलॉजी हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पढ़ ले, तो इतने चैप्टर कर ले, इतना ये छोड़ दे, इतना इसको स्ट्रेस में दे, इस चैप्टर को कम स्ट्रेस में दे हरियाणा के अकॉर्डिंग, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस थोड़ा सा मतलब वास्ट है, लेकिन अगर आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है तब एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ आप सोशियोलॉजी भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज 50% ऑफ द सिलेबस इज कॉमन, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस 50% कॉमन है। लेकिन अगर आपने आईएएस में एंथ्रोपोलॉजी रख रखा है तब मैं आपको कहूंगा कि आप एचएस में भी एंथ्रोपोलॉजी रखो, किसी डाउट में नहीं रहना, तब आपको एंथ्रोपोलॉजी एचएस में भी रखना है, फिर चेंज नहीं करना, फिर नहीं चेंज करना। लेकिन अगर आपने एचएस में एंथ्रोपोलॉजी ही रखना है और मतलब नहीं सिर्फ रखा है और आईएएस का आप दे नहीं रहे हो, देन यू कैन कंसिडर कि अगर एक बड़ा से बैठा है एंथ्रोपोलॉजी तो उसका सिलेबस सिमिलर टू सोशियोलॉजी है, वो उससे आधा सिलेबस है, तो क्यों ना रख लूं मैं। देखिए आपको याद रखना है कि जो अपना ऑप्शनल है वो 200 नंबर का है, ठीक है ना, आपको साथ में जीएस भी तैयार करनी है 200 नंबर की, आपको इंग्लिश भी तैयार करना है, हिंदी भी तैयार करना है, तो वो सारा टाइम भी देखना पड़ता है प्री के बाद कि उन पे भी टाइम लगाना है। तो ऑप्शनल आपका इस तरह से होना चाहिए जिस पे बर्डन ना हो कि ठीक है यार तैयार कर लिया, ठीक है इतना मेरा हो गया, पेपर मैंने कराना है। तो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिसोर्सेज, कि क्या आपके पास उस सब्जेक्ट का रिसोर्स है कि नहीं। अगर रिसोर्स है तो कोई भी ऑप्शनल आप रख सकते हो, डिपेंडिंग आपका उसमें इंटरेस्ट है या वो उतने टाइम में तैयार हो सकता है। तो अब रिसोर्स के संदर्भ में क्या किसी का क्वेश्चन है, कोई रिसोर्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम फेस कर रहा है? आपने क्या किया हुआ है? सर मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है तो मैथमेटिक्स तो भूल ही जाओ ना, बात भी नहीं करनी है। नहीं सर, मैं इंटरेस्ट है सर मैथमेटिक्स। आपने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं मैथमेटिक्स की, कब पढ़ी थी? जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए काफी मेहनत की हुई है। नहीं 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 यार, वनडे एग्जाम में वो मैथमेटिक्स सीडीएस और एसएससी और उस टाइप वाली बात बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ। बेटा पहले सिलेबस देखो यार, वो एमएससी का सिलेबस है मैथ का, वो कोई एसएससी सीडीएस ये वाला सिलेबस नहीं है, अप्लाइड मैथ उस तरह की मैथमेटिक्स नहीं है, ये थ्योरी वाला मैथमेटिक्स है, हार्डकोर मैथमेटिक्स जो प्लस वन प्लस टू में आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथमिक स्केल, फलाना ढिमाका, ये वो, और वो तो बहुत बचकाने पेपर क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स है। एक बार आप सिलेबस देखो मैथ का, देखा आपने? हाँ सर देखा था। तो आपको लगता है आप कर लोगे? अगर आपको कॉन्फिडेंस है देखो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, यू मे हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर दैट सब्जेक्ट तो रख लो, लेकिन बात वही है कि टाइम देखना कि हाँ 3 महीने में कर लोगे, नंबर एक। नंबर टू, आपको इंटरेस्ट है वो तो प्रूव कर ही दिया आपने, और साथ में आपको देखना कि रिसोर्सेज जो है आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो कहाँ देनी है। नहीं बेटा, रिसोर्सेज का चक्कर है जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है ना वो आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिल जाते हैं कि हाँ आप, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि हाँ मैथमेटिक्स करना है आपको तो आईएएस के हिसाब से ये इंस्टीट्यूट करा रहे हैं मैथमेटिक्स, ये टीचर करा रहे हैं, अच्छा कराते हैं, लेकिन वही अगर मुझे बताना है कि एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कराता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कोई एक है स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स से करा है, वो था, एक आया था हमारे पास जिसने मैथमेटिक्स से कराए, लेकिन उसके पास तो एमएससी मैथमेटिक्स क्या क्या कर रखा है उसने मैथमेटिक्स में यार, आईएएस का पेपर दे रखा है मैथमेटिक्स से उसका। उसे आप अगर काउंसलिंग करोगे तो आप तो गड़बड़ा जाओगे सारे, उसने आपको 50-30 किताबें बता देनी है मैथ की, कि ये 30 किताबें पढ़ ले। आपने हिंदी लिटरेचर दिव्यकृति जी से कर रखा है, बहुत अच्छा, कोई जरूरत नहीं कुछ और करने की, हिंदी लिटरेचर रखो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सोचना भी नहीं है दोबारा। हाँ जी, हेलो, क्या कह रहे हैं जी? आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है? हाँ हाँ, हिंदी मीडियम मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक सिस्टम, हमने ट्रांसलेशन का सिस्टम लगा रखा है, तो सारे नोट्स जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। हाँ, ऑनलाइन में। हाँ देखो, टाइम बहुत, आपको ना बड़ा यूटिलाइज करना पड़ता है टाइम जब आप ऑप्शनल कर रहे हो ना। आपका बेसिकली क्या है, जो हमारे पास जीएस भी कर रहे हैं अच्छे, इसकी जिन्होंने अभी पिछले 3-4 दिनों में ज्वाइन किया है, जो जीएस भी कर रहे हैं वो ऑप्शनल को भी ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑप्शनल भी ऑफलाइन करो। ऑप्शनल को तो आप चलते फिरते करोगे कि जब भी टाइम मिला 2 लेक्चर लगा लिए, जब भी टाइम मिला 3 लगा लिए, जब भी टाइम मिला 1 लगा लिए। मैं कौन हूँ? सब कुछ होएगा, वो 5 बजे करेंगे बात बेटा, आप आगे चलो। एनी अदर स्टूडेंट, और एक स्पेसिफिक ऑप्शन की बात पूछिए आप मेरे से, डोंट आस्क मी अबाउट सोशियोलॉजी बिकॉज दैट इज माई सब्जेक्ट, तो वो बात की बात है। अभी मेरे को आपको आपके आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करना है। सर, मैं इंजीनियरिंग डन, सर मैंने गेट लिखा 2 बार और अच्छा स्कोर आया उसमें, जो एसएससी जेईई मेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरी टेक्निकल इंजीनियरिंग पे अच्छी कमांड है। हां, 2-3 महीने का हुआ तो प्रीवियस सिविल सर्विसेज के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के कवर कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। सोचना भी नहीं है विक्रम, सोचना भी नहीं है, जस्ट कीप इट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आपने जेई का एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपका टेक्निकल है, आप मैकेनिकल इंजीनियर ही रखो, किसी के भी कहने से चेंज मत करना। हाँ, किसी, देखो वो आपने, आपके पास रेफरेंस सिर्फ एक पेपर का है जो इस बार आया है, ठीक है, वो पेपर देखना है, प्लस यूपीएससी के पेपर देखना है पिछले। यूपीएससी के अंदर भी वो क्वेश्चन देखने हैं जो ज़्यादा मुश्किल ना हो, रीजनेबल लेवल के हों, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हैं छोड़ देने हैं यूपीएससी में, वो नहीं है स्टेट में पूछे जाते। हाँ तो बेटा ऐसा है, उसके लिए मेरा दूसरा वेबिनार है, आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको वो वेबिनार का लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने पर्स कल मैंने वेबिनार लिया था शाम को 5 बजे, ये कि कैसे आपको प्री के लिए स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। अभी ऑप्शनल पे कंसंट्रेट करते हैं, और एनी अदर पर्सन बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, खुल के पूछो आप, क्योंकि ये पूछ के ही पता लगेगा ना, और मैं क्या बता लूंगा आपको। हाँ जी, सिलेबस तो आपको एचपीएससी से मिलेगा ना, आप वहीं से देख सकते हो, या यूपीएससी वाला सिलेबस देख लो, इट इज सेम। हाँ, इट इज सेम, लेकिन कोई भी ऑप्शनल आप रखो, उसके लिए पहले आपने जो इस साल का जो एचपीएससी में पेपर आया है उसको देखो, ये मेंस का पेपर ये आया था, ठीक है, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन पता लग जाएंगे आपको। फिर आप आईएएस के 2-3 साल का पिछला पेपर देखो, तो आपको एक रीजनेबल अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, अगर आप टेक्निकल रखना चाहते हो तो। स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर देखिए मार्किंग सबके लिए अलग अलग होती है, मतलब कोई ऐसा नियम, दे डोंट हैव एनी वेटेड सिस्टम या मॉडरेशन सिस्टम नहीं है उनका, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे पेपर उसी तरह से आते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई
किसी साल में ऐसा हुआ जैसे हिमाचल में एक बार हुआ कि लॉ का पेपर बड़ा आसान आ गया, तो ठीक है उसमें ज़्यादा नंबर आ गए लोगों के, अब उसको क्या, उसका क्या कर लेगा कोई, है ना, क्या कर लेगा उसका कोई। जीएस का प्री और मेंस का जो सिलेबस है यूपीएससी और एचसीएस का वो सेम नहीं है बेटा, ये अलग से वेबिनार करूंगा मैं, प्लीज आप भटको मत, देखो फोकस रखो, आप आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे वेबिनार करने हैं, वो एक मेरे वो जो यार वो लिंक शेयर करो जरा कोर्स का, मेंटर मेंटर एचसीएस वाले कोर्स का, आपके दिमाग में डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे, शेयर करो वो कोर्स का लिंक, मेंटर एचसीएस का कोर्स का लिंक शेयर करो, मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्लू देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे धीरे धीरे, उसमें मैं ये सारे वेबिनार उसमें मैं करूँगा, ये अभी मैं दो तीन तीन चार दिन के बाद मैं दो लास्ट पेपर जीएस का आया था एचसीएस का वो डिस्कस करूंगा क्लास में, वेबिनार के अंदर डिस्कस करूंगा मैं वो, और उसको फिर कंपेयर करेंगे हम, उसको कंपेयर करेंगे कि हाँ यूपीएससी और इसमें क्या फ़र्क है, और मैं फिर एक वेबिनार के अंदर मैं जीएस का मेंस का पेपर डिस्कस करूंगा एचसीएस का, तो उसमें टेक्निकली बताऊंगा फिर कि आईएएस और इस एचसीएस में क्या फ़र्क है, वो अलग होगा वेबिनार ना, यहाँ नहीं हो सकता वो। मेंटर एचसीएस का कोर्स शेयर कर दीजिए, हाँ जी गुड इवनिंग सर, मैं कह रहा था अभी मैंने तीन चार महीने से जैसे तैयारी शुरू की, एक सेकंड सॉरी एक मिनट आपको काट रहा हूँ मैं, ये लिंक शेयर कर दिया, ये मेरा मेंटरशिप कोर्स है स्ट्रेटजी लेक्चर फॉर एचसीएस, ठीक है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जो भी मैं लेक्चर स्ट्रेटजी के एचसीएस के लिए करूंगा वो सारे लेक्चर यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे, आपको इस कोर्स को लिंक कर क्लिक करके इसमें ज्वाइन कर लेना है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको रजिस्टर करना है और आप ज्वाइन हो जाओगे, कोई इसके अंदर चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सीधा उसमें जाके फिर सारे लेक्चर आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, आप कई बार दोबारा भी सुन सकते हो, जैसे सुबह ही लेक्चर आज मैंने लिया है टाइम शेड्यूल का, कि कैस क्या टेंटेटिव टाइम शेड्यूल क्या हो सकता है एचसीएस में, लॉजिकली बताया है, और साथ में क्या स्ट्रेटजी आप रख सकते हो, कल मैंने लेक्चर लिया था ब्रॉड स्ट्रेटजी ऑफ एचसीएस प्रिपरेशन, वो भी यहाँ पढ़ा है, ठीक है, तो ये लेक्चर आपको सारे लेक्चर जो आगे भी करूंगा इस कोर्स में मिल जाएंगे, आप कभी भी आके आप देख सकते हो, कभी आप लाइव नहीं आ पाए तो यहाँ देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेटा अपना माइक बंद कर लो जिसका भी चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा आप क्वेश्चन पूछिए, आप रजत रोहित क्वेश्चन पूछ रहे थे आपको। सर मैं कह रहा था मैंने तीन चार महीने से जैसे शुरू की हुई है तैयारी, वेरी गुड, तो मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रीड की हुई है और स्ट्रीम में क्लासेस ली थी मैंने, लेकिन मैंने अभी बैक ईयर के पेपर देखे हैं मेंस ऑक्सफोर्ड का, एसआईआर का और हिस्ट्री का दोनों का, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है पहले तो मुझे ये बताइए। सर मेरा बैकग्राउंड वैसे एमएससी मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं वो लेना नहीं चाहता। आप मैथमेटिक्स लेना नहीं चाहते, कारण इसका स्पेसिफिक कोई, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें? अच्छा एक बार मेरे कहने से आप अपना पेपर देख लेंगे पिछला जो इस बार मैथ का पेपर आया। हाँ सर वो मैंने देख लिया है, मैथ का सिलेबस भी देख लिया। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो अब आपने खत्म कर दिया टेक्निकल मतलब ना, ठीक है अब आप आ जाइए इस पे। देखिए इसमें ऐसा है ना, फिर आपके लिए हिस्ट्री पॉल साइंस सोशोलॉजी साइकोलॉजी सब बराबर है, समझा की बात। ये जो मिथ है ना कि जीएस में मैंने कर रखा है ऑप्शनल में मेरे काम आ जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। जैसे जैसे मैं सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि बेटा सोशोलॉजी रख लो आपका एक ऐसे तो पूरा जो ऐसे इंग्लिश में आएगा वो तो सोशोलॉजी का से हो गया, और मेंस में सोशल इश्यूज़ पे क्वेश्चन आते हैं वो हो गए, तो मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं जो काम नहीं करता। क्योंकि जब ऑप्शनल में आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो वो बहुत अलग आंसर होता है उसका, और जब आप जीएस में लिखते हो तो बहुत अलग होता है। ऑप्शनल में आप आंसर लिखोगे टेक्निकल लिखोगे, उसमें थिंकर डालोगे, उसमें उसकी सब्जेक्ट के किताब डालोगे तभी नंबर आने हैं, है ना। अब सपोज 1857 रिवोल्ट का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रिवोल्ट सपोज, अब जीएस में एक बच्चा लिखेगा वो अलग लिखेगा, और जब ऑप्शनल में यही बच्चा लिखेगा ना चार किताबें लिखेगा उसके अंदर की इन दिस बुक दिस हिस्टोरियन हैज सेड दिस थिंग, तब नंबर आने, अदरवाइज नंबर कैसे आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो जीएस में आप पढ़ते हो ठीक है थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, वो चक्कर में मत पड़िए, इंडिपेंडेंटली देखिए आप। तो आपने आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लेन है तो आप हिस्ट्री रख लीजिए चाहे पॉल साइंस रख लीजिए, आप ये देखिए कि मेरा उतने टाइम में तैयार हो जाएगा, नंबर टू मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, बस
आपको ये मत सोचिए कि मेरा लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा है उसमें से मेरा कितना कवर होना है, वो नहीं होना। आप पोल साइंस रखोगे तो तीन सेक्शन है पोल साइंस के, पॉलिटिकल थ्योरी है जो आपकी बिल्कुल अलग है, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और थर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस है। जो आपको ये मत सोचिए कि आईआर आप जीएस में करोगे तो वो भी तैयार हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होता। यहाँ थ्योरी करनी पड़ती है इंटरनेशनल की, डिप्लोमेसी की थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी, ठीक है ना। तो आपको वो तैयार करना है, हिस्ट्री के अंदर एंशियंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री करनी है। हाँ, जो आप जीएस में हिस्ट्री पढ़ोगे उसका बेस आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, बेस ही मिलेगा बस, उससे नंबर नहीं आने वाले ऑप्शनल में, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इंटरेस्ट, टाइम और रिसोर्स क्या है आपके पास। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए बस। जैसे अगर हरियाणा का रिजल्ट देखो, अगर पिछले 20 साल का मैं रिजल्ट देखूं तो हिंदी मीडियम वाले मुझे बहुत रेयर दिखते हैं। इस बार भी मेरे पास अगर 40 सिलेक्शंस प्लस हैं तो उसमें से एक भी हिंदी मीडियम का नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होती, उसका मतलब ये है कि हिंदी मीडियम से रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, हिंदी मीडियम से कोई पढ़ाने वाला नहीं था। तो आपको ये देखना है, लेकिन अभी पीडिया ने अब आपको एक दे दिया है मोटिव, एक ट्रांसलेशन सिस्टम हमने लगाया है जो हिंदी मीडियम के लिए बहुत काम आ रहा है, इट्स अ रेवोल्यूशन काइंड ऑफ ए थिंग, और सारे नोट्स, करंट अफेयर्स टॉप क्वालिटी के आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, जो आपको सिंपली एक बटन आपको करना है और बटन से आप जा सकते हो। ये देखिए, ये आपका है, आप देखिए यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज है, आपने हिंदी कर दी, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया ट्रांसलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसलेशन के अंदर, बिल्कुल बढ़िया ट्रांसलेशन है। हिंदी में इतनी अच्छी ट्रांसलेशन कर दी है उन्होंने कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कुछ भी करंट अफेयर देख सकते हैं, देखिए पूरे कुछ भी देख सकते हैं आप। ये आप जाएंगे यहाँ से हरियाणा सरकार की नौकरियाँ, ये एचएस में चला जाए, ये एचएस में चला गया, ये हरियाणा का आ गया। देखिए यहाँ करंट अफेयर पड़े हैं सारे हरियाणा के, आप करंट अफेयर सब, ये साप्ताहिक करंट अफेयर है, ये मुफ्त जो है सीरीज है सारी, ये आपकी फ्री सीरीज जो है, ये देखिए ये करंट अफेयर है, दैनिक करंट अफेयर, ये देखिए ये देखिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आप पढ़ेंगे इसका मतलब आप आराम से पढ़ पाएंगे। दिस इज बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली आपको हरियाणा में आपको रोल मॉडल कम मिलेंगे हिंदी मीडियम से, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। एनी अदर क्वेश्चन? आप इतना समझ लीजिए कि आपको कोई भी ऑप्शन तैयार करना है 3 महीने में करना है ना, 3 महीने आपके पास नेट हैं और 3 महीने के अंदर आपके पास डेली 3 घंटे हैं कि ठीक है आप डेली 3 घंटे पढ़ के आपको एक ऑप्शनल रीजनेबल लेवल पे तैयार करना है, बस इतना सा आपको चीज कवर करनी है। अब एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने शुरू में, वो उसका आंसर करता हूँ मैं, फिर आपका क्वेश्चन लूंगा अगला मैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर सारे ऑप्शनल, कोई ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं है या स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग नहीं है तो सारों से सिलेक्शन कैसे नहीं होती, है ना, फिर तो सबसे बराबर होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता, देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो रखने वाले कंपैरेटिवली कम होते हैं बहुत। अब मैथ्स रखने वाला अगर 10 हैं एज कम्पेयर टू दैट हिस्ट्री या सोशोलॉजी रखने वाले 100 होंगे 200 होंगे, तो आपको वो जो जनरल ऑप्शनल वाले हैं वो दिखते हैं। एक बार बंद कर दोगे यार प्लीज़, आप बैठे हो बाहर चेक करो, ये बंद करो माइक। करो माइक बंद यार, तुम बैठे नहीं हो बाहर, क्या वो माइक चल रहा है बच्चे का एक। यार जब लेक्चर चल रहा हो ना मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, प्लीज बैठा करो वहां पे, सिट देयर, और कहीं नहीं जाना आपने। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो दिखते हैं आपको ज्यादा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग विद जनरल ऑप्शनल्स इज मच मच मोर देन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो अब मैथ में से अगर 10 में से 1 हो जाए और हिस्ट्री में से 100 में से अगर 10 हो जाए तो बात तो एक ही है ना, लेकिन 10 ज्यादा दिखेंगे आपको और 1 कम नहीं दिखेगा। तो इट डिपेंड्स कि भाई कितने बच्चे उस सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं। जैसे सोशियोलॉजी से हमारी अब 12-13 सिलेक्शन हैं, तो दिखती हैं वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेते हैं, छोटा सब्जेक्ट है,
रीजनेबल टाइम में कवर हो जाता है, काम खत्म, रिसोर्सेज अवेलेबल है, पेपर आ जाता है वही. तो इसलिए दैट इज द की बेसिकली, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? तो ये तीन फैक्टर आप ध्यान रख के आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं. और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ऑप्शनल, मैं आई विल गिव यू वेरी ऑब्जेक्टिव एडवाइस जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है. और कोई भी डिसीजन आपने गलत नहीं लेना, कोई भी डिसीजन आपने गलत नहीं लेना. देखिए जीएस रिलेटेड डाउट आप बाद में पूछिए, आप मैंने आपको लिंक एक बार फिर पोस्ट कर देंगे, वो लिंक आप पोस्ट कर दीजिए, वो मेंटरा एचसीएस का. उधर से नहीं लग रहा क्या? अच्छा कुछ गड़बड़ है, ये क्या कर रहे हो? हाँ पूछिए क्वेश्चन, पूछिए तब तक पूछिए. जैसे ये मेंस में इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जाम होएगा, तो इंग्लिश वीक हो तो उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए? अरे नहीं यार, इंग्लिश लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज की बात कर रहे हो शायद आप, 100 नंबर के पेपर की. हाँ लिटरेचर की बात मत करो ना, अगर लिटरेचर वीक है तो लिटरेचर ऑप्शनल कैसे रखोगे? यू आर टॉकिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ना. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोई बड़ी बात नहीं है, वी हैव अ वेरी फंडामेंटल स्ट्रेटजी फॉर दिस, ठीक है ना. इंग्लिश का आप डेली आधा घंटा इंग्लिश पे लगाना शुरू कर दो, आप स्टार्टिंग करो रीडिंग से. अखबार उठा लो या कोई भी अपने नोट्स उठा लो, 2-3 पैराग्राफ ऊंची ऊंची आवाज करके पढ़ने हैं आपने. आप देखोगे कि विद इन 1 मंथ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो जाएगी. ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं. दूसरी बात मैं आपको कह सकता हूँ, बेटा ट्यूशन रख ले मैं इंग्लिश की, किसी ग्रेजुएट को पकड़, इंग्लिश वाले को, लिटरेचर वाले को या एमए को पकड़ और ट्यूशन रख ले. लेकिन उसकी जरूरत नहीं है इसके अंदर. आप 1 महीना मतलब ऊंची ऊंची आवाज में इंग्लिश पढ़ो, ऐसे आपको हिंदी अगर आपकी वीक है तो हिंदी पढ़ो, राइट. और उसको आप 10 मिनट 15 मिनट लगाओ, अपनी कॉपी लगा लो कि डेली एक पेज आपने इंग्लिश का लिखना है, डेली एक पेज आपने इंग्लिश का लिखना है. और जो इंग्लिश का एक पेज लिखोगे वो आपने किसी से चेक कराना है, चाहे आपका ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, पड़ोसी है, उससे आप टेस्ट चेक कराओ कि इसमें मेरी गलतियां निकाल के दो, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक है या वो सारी मिस्टेक्स है कोई निकाल के दे दे. आपको धीरे धीरे आपकी इंप्रूव हो जाएगी. उसके बाद आप जो सिलेबस में आता है वो तैयारी शुरू कर सकते हो आप. ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, ये इट्स नॉट अबाउट कि ट्यूशन एंड कोचिंग, ठीक है. लेकिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होते हैं लैंग्वेजेस में, और लैंग्वेजेस मेक अ डिफरेंस. देखिए लैंग्वेजेस के 2 पेपर ऐसे पेपर हैं जो आप में और एचसीएस में और आईएएस में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं. जो आईएएस की तैयारी वाले होते हैं उनका कभी भी लैंग्वेजेस स्ट्रांग नहीं होते, दे सफर इन लैंग्वेजेस, क्योंकि वहाँ कंपलसरी है नहीं है. वहाँ सिंपल पेपर आता है बहुत ही इंग्लिश और हिंदी का, यहाँ आता है बहुत मुश्किल. तो आप अगर उसमें एज ला सकते हो 200 नंबर का एज, 200 नंबर में से कम 30-40 नंबर का एज ले सकते हो अगर आप अभी से इंग्लिश और हिंदी को भी साथ में थोड़ा थोड़ा करो. ये एक हाँ जी, वो तो है ही, उसके बाद नंबर भी तो काउंट होते हैं ना इसमें, नंबर भी तो काउंट होते हैं. हरियाणा में नंबर भी काउंट होते हैं इंग्लिश और हिंदी के, ये नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है. 600 नंबर का जो टोटल है उसमें 200 नंबर का इंग्लिश हिंदी, 200 नंबर का जीएस, 200 नंबर का ऑप्शनल. 600 में से जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आएगी आपको, 675 नंबर का इंटरव्यू, 398 पॉइंट कुछ नंबरों का टॉपर है इस बार. और जिसके 360 नंबर प्लस हैं, 365 नंबर प्लस थे 675 में से, उसको एचसीएस एग्जेक्टिव मिल गया इन जनरल कैटेगरी. हाँ तो आप लगा के चलो कि आपको 55-60% नंबर की दरकार है, 60% नंबर लेके चलो आप. वो अलग करेंगे वेबिनार एक ना, वो अब सारी किताबें तो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, बिकॉज वो हैं बुक लिस्ट है, स्टैंडर्ड है, वो इंग्लिश की किताबें मिलती हैं बहुत सारी एचसीएस की तैयारी के लिए. लेकिन इट्स मोर ऑफ अ स्किल रिमेंबर, ये याद रखना. ये कोई आपको बात नहीं बताएगा, सब कह देंगे ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो. देखो नंबर एचसीएस में वेरी करते हैं आपकी लैंग्वेज की क्वालिटी से. जो हरियाणा के अंदर इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा होता है और चेक करने वाले बहुत फाइन लोग हैं हरियाणा के अंदर, आपके जो नंबर कटते हैं वो आपकी हैंडराइटिंग, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपकी वोकैबुलरी, इस पे नंबर कटते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पे. बाकी तो चीज़ें कर ही लेता है बंदा, कोई ग्रामर तो कर ही लेगा, सारी रट नहीं है रट लेगा, प्रेसी लिखनी है लिख लेगा बंदा,
एक ऐसे लिखना लिख लेगा बंदा, लेटर लिखनी है लिख लेगा, उसमें क्या खास बात है। लेकिन अगर आपका वो जो लिखा हुआ है उसमें हज़ार गलतियाँ हैं, ग्रामर ठीक नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं है, वोकैबुलरी ठीक नहीं है, नंबर कैसे आ जाएंगे। तो आप अपना बेस बनाओ, अभी पहले बेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ ये आपका बेस बिल्डिंग है कि आपकी लैंग्वेज की क्वालिटी अच्छी हो। बाकी जो सिलेबस है जो पेपर में आता है वो एक 15-20 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, आराम से तैयार हो जाता है 20 दिन में। हाँ चलिए चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप, सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, जो आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं कर पाया इसमें, तो आई विल कीप ऑन कंडक्टिंग वेबिनार और आप उसमें आप पूछ सकते हो। अनिश्का जीएस के बारे में आप पूछना चाहते थे, एक बार इस कोर्स के अंदर मेरा लेक्चर पढ़ा एक ऑन ब्रॉड स्ट्रेटजी, आप उसको देखो फिर मैं आगे आप और मैं और इस नंबर पे आप करो। अच्छा एक और हमारा व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी है, आप सब हो उसमें, एक उसका भी लिंक दे दीजिए, उसमें भी मेरे वेबिनार के आपको एक इंटीमेशन आती रहेगी। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो इसमें आपको मेल भी आएगी, आपको यू विल कीप ऑन गेटिंग मेल कि भाई हाँ ये वेबिनार होने वाला कल, एक दिन पहले आपको 24 घंटे पहले इंटीमेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो अगर कोई सपोज अभी चैट नहीं अगर हो पा रहा है तो नंबर मेरा है, तो इस नंबर जो नंबर पहले मैंने दिया था उसी नंबर पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आई विल गेट यू एडेड ऑन इन दैट ग्रुप। चलिए बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन, आई थिंक आपके ऑप्शनल रिलेटेड डाउट काफी क्लियर हो गए होंगे, राइट। कुछ भी बचता है कोई बात नहीं, वी विल कीप ऑन टच, आप नेक्स्ट वेबिनार में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।